अध्याय मैं आज शुरू करने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने पढ़ा कि इसको पढ़ने से क्या होता है नहीं होता है, बतलाया गया कि शिव पुराण पढ़ने से करोड़ों पाप अगर जो किया है आदमी उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसको नर की प्राप्ति नहीं होती अगर वह शिव महापुराण का विधि विधान से पालन करते हुए सुनता है तो। अब आगे की अध्याय में मैं जा रही हूँ और ये प्रथम अध्याय है जिसमें ये यहाँ देखिए श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री गणेशाय नमः। हम लोग कुछ भी शुरू करने से पहले गणेश जी को प्रणाम करते हैं तो यहाँ पे वही है श्री गणेशाय नमः। ये विदेश्वर संहिता प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पापनाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। तो सूत जी प्रश्न मुनि लोग प्रश्न करते सूत जी से कि कितना भी यदि पाप किए रहे तो तुरंत उसका पापनाश कैसे हो सकता है। तो सूत जी इस अध्याय में उसके बारे में समझाते हैं कि कैसे क्या क्या होता है। अब अभी मैं जा रही हूँ उसको पढ़ने और इसमें जो भी अध्याय आएगा जो भी शिव जी की महिमा का बखान किया जाएगा वो मैं टाइम टू टाइम आकर यहाँ मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। जय शिव शर्मा।